देखा है, शादी ब्याह में नाच करवाएंगे लोग, गाना बजवाएंगे, ऑर्केस्ट्रा कराएंगे। मैं कहती हूँ कि शर्म करो, कम से कम ये सारा चीज ना करो। किसी गरीब की उतने पैसे में किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, वो उससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता। फिजूल की खर्च में पैसा को बर्बाद ना करें, लड़कियां शिक्षित हो रहेंगी। और गुण लगातानी समाचार बटुए नवानगर से रिपोर्टर बनी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी, मंदिर के तरफ से करावल गई फ्री में बियाह, बर बधू के लोग दिहलन आशीर्वाद, पूर्व मंत्री कैली एकर सराहना। नमस्कार, हम चंद्रशेखर सिंह, खबर विस्तार से सुनी। एक तरफ यहाँ दुनिया चकाचौंध में जियती है, बड़ घराना अन्य जगह पे शादी में फिजूल खर्ची देखे के मिलता, वो जे नावानगर फुलवती धाम पे अद्भुत उत्सवी माहौल देखे के मिलत। मंदिर के तरफ से एजा गरीब जोड़ा के शादी करावल गई, यह मौका पे जुड़ल बंधन में बंधल दुल्हा दुल्हन के ढेर सारा आशीर्वाद मिलल, और साथे साथे शादी के पूरा तैयारी फूलमती धाम मंदिर के तरफ से कल गई है, जौना में शादी से संबंधित सब सामग्री दुल्हा दुल्हन के जोड़ा कपड़ा साथे साथ दान रहे जौन भी होला रीति रिवाज उ सारा कुछ मंदिर प्रबंधन के तरफ से कल गई है। अक्सर देखे के मिलेला कि पैसा के अभाव में बहुत जुआ जुवती के शादी ना हो पावेला, ऐसन में मंदिर बसंत पंचमी के मौका पे इस शुरुआत कैलस, जहाँ गरीब परिवार के बच्चा बच्चियों के शादी के जिम्मेवारी उठा के समाज में अच्छा संदेश देवे के काम ई मंदिर प्रबंधन कर रहा बा। रउरा सबके बता दी कि बक्सर जिला के अतिमी गांव के बेटी प्रीति और रोहतास के वीर बहादुर के शादी यह मंदिर के द्वारा करावल गई। यह शादी समारोह में मंदिर परिसर में ही बहुत सुंदर मंच बनावल गई, लोग खातिर कुर्सी के व्यवस्था कर गई, वही हजारों लोग भोजन के आनंद ले गए। इस शादी समारोह में जिला के अलावा बिहार के अनेक जिला से और उत्तर प्रदेश सहित हजारों लोग आशीर्वाद दिलक। इस शादी समारोह के रस्म के दौरान पूर्व मंत्री कांति सिंह बतैली कि यह समय लोग फिजूल खर्ची के तौर पर शादी में ऑर्केस्ट्रा बैंड बाजा नाच बाजा खर्च करत रहन, मगर वही खर्चा से अगर कोनो गरीब लड़की के शादी करा देस तो बड़ा ही पुण्य के काम हुई। मंदिर समिति फूलमती धाम के तरफ से यह आयोजन समाज के वो संदेश के साथ साथ अच्छा पहल बा। वो जो शादी के रस्म पूरा भैला के बाद दुल्हा दुल्हन एक सराहना करत अन्य लोग खातिर भी संदेश दिलन। यह मौका पे पहुँचल महिला शादी के सराहना कैली, कहली कि शादी में जवन बिना मतलब के खर्चा हो रहा बा ओकरा से बचे के साथ साथ दहेज प्रथा पे अंकुश लगावे के साथ साथ समाज में अच्छा संदेश जाई। महिला बतैली कि घर के शादी में रिश्तेदार आसपास के लोग ही आवेलन, मगर एह तरह के शादी में हजारों लोग के आशीर्वाद मिलेला। ओजे पुजारी जसवंत सिंह बतैली कि एह तरह के शादी के शुरुआत हमनी के कैली जा जौन आगे भी निरंतर जारी रही, या आवे वाला समय में स्कूल और फ्री में इलाज खातिर अस्पताल के भी व्यवस्था करल जाए। बहरहाल यह पुनीत कार्य के सराहना अन्य लोग भी कैले, लोग बतैले कि अन्य शादी में आर्थिक क्षति होला उससे बचे या दहेज प्रथा पे अंकुश लगावे में यह तरह के शादी कारगर साबित हुई। मंदिर परिसर में अद्भुत नज़ारा देखे के मिलल जौन सराहनीय रहल, एजा कमजोर दलित असहाय वर्ग के लोग खातिर एह तरह के शादी वरदान साबित हुई और समाज में वो अच्छा संदेश जाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज लिहल आ दिहल कहिए बंद कर दिल रही, अब एगो बढ़िया नमूना पेश सुनी बयान। समाज में जो दहेज प्रथा कुतियाँ हैं इससे मिटेगा, और ये माँ फूलमती धाम की तरफ से ये जो लड़का और लड़की के शादी हुआ ये इसमें जितना लोग जुटे हैं हर समाज से हर वर्ग से, उतना एक घर में होता तो नहीं जुटता। ये घर में जो शादी होती है और यहाँ पे शादी होती है उसमें क्या अंतर है? अंतर यही है कि घर में शादी होने से अपने रिश्तेदार सिर्फ जुटते हैं और अपने समाज जो है उतना ही जुटेंगे, और यहाँ पर हर वर्ग से हर समाज से लोग यहाँ जुटते हैं। हाँ, सभी का आशीर्वाद प्राप्त, सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया लग रहा है, और मैं आप सभी जनता लोग से यही कहूँगा कि आप जितने लोग आए हैं यहाँ पे माहौल काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर द्वार पे भी घर पे भी होता है शादी, तो
इतना मतलब पब्लिक नहीं रहती है, इसीलिए मैं आप सब जनता लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहीं पे शादी करें। लोगों से अपील यही, हाँ लोगों से मेरा अपील यही है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? वीर बहादुर घर कुमार, ग्राम पोस्ट मोहनपुर, थाना काराकाट, गुड़ारी। यशवंत जी, बिन दहेज बिना तिलक के बच्चियों के, गरीब बच्चियों की जो शादी यहाँ पर करा रहे हैं वो बहुत ही नेक कार्य है। बहुत सारे लोगों के पास धन है, दौलत है, लेकिन कोई में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बढ़ चढ़ करके किसी गरीब की बेटियों की शादी करा दे। मैंने बहुत ये देखा है, शादी ब्याह में नाच करवाएंगे लोग, गाना बजवाएंगे, ऑर्केस्ट्रा कराएंगे। मैं कहती हूँ कि शर्म करो, कम से कम ये सारा चीज ना करो, किसी गरीब की उतने पैसे में किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, वो उससे बड़ा पुण्य का कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता। फिजूल की खर्च में पैसा को बर्बाद ना करें, लड़कियां शिक्षित हो रहेंगी और दान दहेज तिलक इससे आप लोग अपना अपना मन हटाइए, क्योंकि जो बेटी आती है अपना पूरा घर छोड़ करके वो आपके घर को सजाने के लिए आती है, एक बेटी बन करके अपने आंगन को सजाने के लिए। आपकी बेटी जिस तरह से दूसरे की आंगन में जाती है उसके सुख दुख के बारे में आप सोचती हैं, अपनी बहू के बारे में नहीं सोचती, यही गलत हो जाता है। इसलिए कहीं की भी बेटी किसी के दरवाजे जाए, मतलब किसी के घर जाए, उसका वही अपनी बेटी के समान मान और सम्मान दीजिए। और यशवंत जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो आप सोच सकते हैं कि मंच पर भले बैठे हैं, हम सबों का की भी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, तभी हम सब लोगों का भी इनसे श्रद्धा जुड़ा हुआ, आस्था जुड़ा हुआ है, तभी हम इनके बीच में आते हैं चाहते हैं। लेकिन अब जसवंत जी कितना